कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए। अगर अपने पांव पे खड़ा हो गया तो ये न्यूक्लियर स्टेट है कि मैं आंखें दिखाएगा। इसे करेंगे, इस बुक का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, अमेरिकाज टॉर्चर्ड रिलेशनशिप विद इस्लामाबाद बाय डॉक्टर डैनियल सेथ मार्के। और ये जो डॉक्टर डैनियल सेथ मार्के हैं, पहले मैं इनका जरा तारुफ करा दूँ, ये एक रिसर्च प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, उनके स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो हैं प्रोफेसर हैं, और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी काम करते रहे, और इनका तकरीबन पाकिस्तान को स्टडी करने में 20 साल का एक्सपीरियंस है। एंड दिस इज़ नाउ यू हियरिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये कहते हैं, इनकी बुक का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। कोई बंदा भी जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा करना चाहता है, वो बेसिकली वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव देख ले, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अमेरिकन हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इससे ज्यादा ऑथेंटिक आपको को बंदा नहीं मिल सकता। वो ये कहते हैं कि देर कैन बी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। वाई अमेरिका एग्जिट नहीं कर सकता, क्यों? नंबर वन, वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एंड वी हैव टू मॉनिटर पाकिस्तान। हम इसको अनमोनिटर्ड नहीं, हम इसको बर्दाश्त कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर टू, वो कहते हैं पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट हैज मिलिट्री एंड सिविल रिलेशनशिप्स विद चाइना, नो अदर कंट्री हैज दिस लेवल ऑफ। और चूंकि चाइना अमेरिका के लिए एक थ्रेट है, इसलिए पाकिस्तान को बीच में एंगेज रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल लूज आउट एंड वो खित्ते के अंदर। और फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि वी हैव टू कीप अ चेक ऑन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। और वो कहते हैं इफ दिस आर्मी गोज रोग देन नॉट ओनली विल दे डिस्टेबलाइज द रीजन बट दे कैन डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड। ठीक है, और फिर वो कहता है कि हम लोग इनको, उसने बताया कि हमने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई की हैं, और वो ये कहता है, खुद अपने मुंह से कहता है कि पाकिस्तानियों को हम लोग बाय ऑफ कर लेते हैं, और वो ये कहता है कि पाकिस्तानी हम बहुत सस्ते में बाय ऑफ कर लेते हैं, हम इनको वीज़े पे बाय ऑफ कर लेते हैं, हम इनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे लेते हैं, उस पर बाय ऑफ करते हैं, ये बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। और वो कहता है कि हमने, यानी डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो आपके मीडिया के लोग हों उनको हम ले लेते हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हों, चाहे आपके डिफरेंट लोग हों उनको हम बाय ऑफ कर लेते हैं, तो हमारे लिए अपना काम चलाना, अपनी पॉलिसी को लेके जाना बड़ा आसान हो जाता है। सो दिस, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, क्या यू कैन हेयर इट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। और मैं बताऊँ कि उसमें एक और बड़ा, बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि वो कहते हैं कि वी वॉन्ट, उनके अपने अल्फाज में कहते हैं, वी वॉन्ट टू कीप पाकिस्तान इन एन इन अ मैनेजेबल स्टेट, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ लिम्बो के अंदर रखना है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इतना फेल हो जाए कि फेल्ड स्टेट हो जाए, और ना पाकिस्तान इतनी तरक्की कर जाए कि वो कोई अपने ओन पाँव पे खड़ा हो जाए, दोनों स्टेट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सो पाकिस्तान को हमने ना एक बीच की जगह पे रखना है, जहाँ पे पाकिस्तान एक मैनेजेबल स्टेट में, यानी कि अगर पाकिस्तान यानी एक फेल्ड स्टेट बन गया तो फिर क्या होगा कि एक लॉलेसनेस हो जाएगी, और फिर यहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, और फिर क्या होगा कि हमारे ऊपर ये बम धमाके और ये शुरू हो जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, फिर ये रोग होंगे और फिर कोई कंट्रोल नहीं होगा। दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अगर अपने पाँव पे खड़ा हो गया तो ये न्यूक्लियर स्टेट है कि हमें आंखें दिखाएगा। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, तो दे अपने मुँह से एडमिट कर रहे हैं, हमारी कमबख्ती ये है कि हम पढ़ते नहीं।